हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम कुछ सर्किट मतलब परिपथ दिए हुए हैं जिनके माध्यम तुल प्रतिरोध निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, तो हमें जो तुल प्रतिरोध निकालना है इन सभी सवालों में ए बी के मध्य निकालना है। क्या जो ए बी है इनके मध्य तुल प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ देखिए, सभी 10-10 ओम के रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो पहले देखिए हमें क्या निकालना है, ए बी के मध्य। तो ए और ए बी मध्य था, आप इनके मध्य पहले 1/T जोड़ दीजिए सीधा, इससे आपको आसानी होगी सवाल को हल करने में। तो आपको पता है करंट अब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। तो मान लिया हमारा ये करंट फ्लो हो रहा है आई। तो यहाँ देखिए इसमें वैसे तो गया, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे ये तीन डायरेक्शन में हमारा करंट बट जा रहा है। ये देखिए, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, फिर देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन, यहाँ पर दो जगह फिर बट जा रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन इस बिंदु पे फिर सभी करंट मतलब मिल जा रहे हैं और फिर इधर आ गए। तो पहले देखिए, पहले आप इन दोनों रेजिस्टेंस को उठाइए। तो ये 10-10 ओम के जो प्रतिरोध हैं ये एक दूसरे से क्या है, कैसे जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, समांतर में। तो आपको पता है समांतर का फार्मूला होता है 1/R1 धन 1/R2 धन 10, ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है। तो जोड़िए आपके रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं समांतर में। तो इनका मान क्या आएगा, 2/10। तो R1 = कितना हो जाएगा, 5। देखिए कैसे होगा, 1/R1, तो R1 = तब ये पलट जाएगा आपका 10/2 हो जाएगा, और कट के क्या आएगा, 5 ओम आ रहा है। तो आपका ये सर्किट कैसे ब्रेक मतलब छोटा हो गया, देखिए कैसे आपका सर्किट अब ऐसे बनेगा, कैसे ये 10 ओम था आपका, ये भी 10 ओम था आपका, ये भी 10 ओम था आपका, और ये कितना हो गया सिकुड़ के मतलब 5 ओम, ये आपका 5 ओम का हो गया, कितना 5 ओम का। देखिए ये दोनों समांतर में थे, ये दोनों को हमने जब सॉल्व किया तो 5 ओम आया टोटल रेजिस्टेंस इनका। तो ये सिकुड़ गया मतलब ये इकट्ठा हो गया, तो ये कितना हो गया टोटल 5 ओम। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर करंट फिर से देखिए, जब बैटरी जोड़े हैं यहाँ 10 ओम है, फिर यहाँ पर करंट दो जगह फ्लो हो रहा है, मतलब एक ऊपर जा रहा है दो जगह मतलब बट रहा है। यहाँ पर देखिए 10 ओम और 15 ओम के मतलब 10 ओम और 5 ओम का रेजिस्टेंस आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, R = होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, श्रेणी का फार्मूला होता है ठीक है, यही होता है, ये आपका फार्मूला है ठीक है। तो यहाँ हम R2 = मान लेते हैं हमारा 10 ओम और 5 ओम का क्या है, 5 ओम और 10 ओम के दो रेजिस्टेंस श्रेणी में, तो 10, 5, 15 ओम, टोटल 15 ओम। तो आपका ये अब सर्किट मतलब परिपथ कैसे हो गया। कुछ इस टाइप का हो जाएगा, क्या इस टाइप का हो जाएगा, ये आपका 10 ओम का इससे 10 ओम बना रहेगा, ये भी आपका 10 ओम बना रहेगा, लेकिन आपका ये दोनों मिला के एक साथ हो गए, तो ये आपका 15 ओम हो गया। क्या हो गया, ये आपका 15 ओम हो गया। अब फिर से यहाँ देखिए, करंट इसी तरफ से आ रहा था, इसमें वैसे यहाँ से फिर दो डायरेक्शन में बट रहा है, एक ऊपर एक इधर। तो 10 ओम और 15 ओम की रेजिस्टेंस क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/10 ओम का रेजिस्टेंस और प्लस 1/15 ओम का रेजिस्टेंस। तो इसे निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, हम त्रियक कर दे रहे हैं 150, ठीक है, ऐसे त्रियक मार दिए और फिर इसको ऐसे, तो 150/25 और कट के कितना आएगा, R3 = आपका आएगा 6, ठीक
ठीक है, ये कितना आया 6 ओम आया आपका, ये टोटल 6 आया होगा। तो आपका रेजिस्टेंस अब देखिए परपथ कैसा हो गया, ये ऐसे हो गया, क्या हो गया, अब ऐसे हो गया, क्या हो गया, ये आपका ये था, ये आपका बी था ना। अब ये देखिए, ये दोनों 15 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस समांतर में थे। अब ये दोनों जगह जब टोटल रेजिस्टेंस निकाला तो इनका टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम आया, ठीक है। तो ये आपका परिपथ अब ऐसा बन गया। अब देखिए यहाँ 10 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आर फोर इक्वल टू क्या हो गया, 10 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 10 6 16 ओम, क्या हो गया, 16 ओम। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या आया, 16 ओम आया, क्या आया, मतलब ए बी के मध्य ये भी के मध्य आपका तुल प्रतिरोध कितना है, 16 ओम है, कितना है, 16 ओम। चलिए अब अगला देखते हैं, आपका सेकंड क्या है, आपका ये है, ये आपका ये था, ये आपका बी था, इसके मध्य आप बैटरी पहले जोड़िए। मान लीजिए इधर से करंट फ्लो हो रहा है, पहले हम थोड़ा डिस्टेंस लिख लेते हैं, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, 4 4 ओम के सभी प्रतिरोध हैं आपके। देखिए करंट आपका यहाँ से प्लस की साइड बहते आया, तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पे आपका करंट दो डायरेक्शन में बट रहा है, एक ऊपर की तरफ इस वाले सर्किट में जा रहा है, एक इस वाले में, देखिए एक इस वाले प्रतिरोध की तरफ, एक इस वाले, यहाँ पर दो जगह पर बट गया। तो पहले हम ऊपर वाला लेंगे, क्या पहले ऊपर वाला लेंगे, तो देखिए ऊपर वाला जो है आपका ऐसे गया, तो ये आपका कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, 4-4 ओम के दोनों प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी के लिए क्या होता है, 4 ओम का प्रतिरोध प्लस 4 ओम का, तो टोटल प्रतिरोध कितने हो गए, 4 × 4 = 8 ओम, तो 4-4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े थे तो 8 ओम टोटल, कितना, 8 ओम। तो आपका ये सर्किट अब परिपथ कैसे हो जाएगा, देखिए आपका परिपथ इस तरह कुछ हो जाएगा, और सभी रेजिस्टेंस 4 ओम के थे, ये भी 4 ओम का था, लेकिन आपका ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 4 × 4 = 8 ओम, कितना, 8 ओम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर करंट दो डायरेक्शन में बट रहा है, करंट हमारा तो इधर इसी साइड से तो फ्लो हो रहा था, बैटरी हमने यहाँ लगाया ना, तो देखिए यहाँ पर 8 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस समांतर में है, देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब समांतर हैं, यहाँ पर दोनों करंट बट रहे हैं, तो 8 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस समांतर में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमें पता है क्या, 8 ओम के और 4 ओम के रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हुए हैं, तो 1/8 × 1/4, तो कितना आएगा, 8 और 4 कर लास्ट 8 ही आएगा, 1/2, तो 8/3, क्या हो गया, 8/3, 8 × 8/3, तो ये आपका टोटल कितना आया, 8/3 आया। तो इस अब ये सर्किट कैसे बनेगा, देखिए ये आपका कितना आया, 8/3 ओम आया, कितना आया आपका, ये 8/3 ओम आया, और ये आपका 4 ओम था, ये आपका 4 ओम था, ये समांतर में थे 8 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस, तो इनका जब तुल्य प्रतिरोध निकाला तो ये 8/3 आया। अब देखिए यहाँ से करंट जब फ्लो होगा तो 4 ओम 8/3 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में है, देखिए करंट ऐसे आया, कहीं करंट बटा नहीं ना, करंट कहीं बटा मतलब दो भागों में विभक्त नहीं हुआ ना, तो ये हमारे श्रेणी में है, तो हम क्या लिखेंगे, 8-1, तो 4 ओम −8/3 ओम − 4 ओम का रेजिस्टेंस हमारा श्रेणी में है, तो क्या हो जाएगा, 3×4 = 12 + 8 फिर ये भी 12/3
बारह, बारह चौबीस आठ, बत्तीस, बत्तीस बता तीन ओम। तो आपका जो ए बी है तो ये टोटल क्या आया निकल कर आपका, ऐसे निकल जाएगा आपका टोटल सर्किट कैसे हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा बत्तीस बटा तीन ओम का ऐसे। तो ए बी के मध्य एबी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है, बत्तीस बटा तीन ओम, कितना बत्तीस बटा तीन ओम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो ओम, एक ओम, तीन ओम, एक ओम और दो ओम, ठीक है। आपका ये तीसरा सवाल था। तो आपका यही ए बी मध्य पॉइंट, इसी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके मध्य एक बैटरी जोड़िए पहले, यहाँ पर आपका जब करंट फ्लो होते हुए आएगा तो यहाँ पर देखिए तीन दिशा में बढ़ रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो पहले इस वाले को उठाइए, मतलब इस वाले को। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 ओम और 1 ओम ऐसे यहाँ पर मिला है, 2 ओम और 1 ओम कैसे जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओम धन 1 ओम, कितने कैसे जुड़े हैं, 2 ओम धन 1 ओम आपके कैसे जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े हैं। तो टोटल प्रतिरोध 3 ओम। तो आपका इस आप परिपथ कैसे हो जाएगा, अब ये देखिए ये परिपथ आपका होगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मतलब ये दोनों आप एक दूसरे के साथ, ये इसका टोटल प्रतिरोध कितना आया, तीन ओम आया है। ये जो है आपका मिलके टोटल प्रतिरोध तीन ओम आया, ये तीन ओम पहले से था ये वाला ब्रांच, और यहाँ देखिए नीचे दो ओम था आपका, ये एक ओम था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से, यहाँ पर जब यहाँ करंट फिर से आएगा, फिर करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो, मतलब दो एक दो तीन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ देखिए तीन ओम और तीन ओम के दोनों जो रेजिस्टेंस हैं प्रतिरोध, तीन ओम और तीन ओम के जो प्रतिरोध हैं एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। तो एक बटा तीन धन एक बटा तीन, तो ये क्या हो जाएगा, तीन बटा दो ओम। तो ये टोटल प्रतिरोध इसका कितना आया, दो मतलब तीन बटा दो ओम, तीन बटा दो ओम आया, ठीक है। अब इसका देखते हैं परिपथ कैसे बनेगा। तो ये परिपथ कुछ इस टाइप का बनेगा, ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, ठीक है। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, तीन बटा दो ओम, ठीक है, कितना तीन बटा दो ओम। नीचे वाला कितना था पहले से देख लीजिए, दो ओम ऐसे लिख दीजिए, ये एक ओम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर जब करंट ऐसे फ्लो होते हुए आएगा तो यहाँ पर फिर दो डायरेक्शन में बट रहा है, कितने दो डायरेक्शन में, एक यहाँ एक यहाँ। तो इस वाले को देखिए, बस इस वाले को उठाइए, देखिए इस वाले को। तो यहाँ तीन बटा दो ओम और आपका एक ओम का जो प्रतिरोध है ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी में जुड़े हुए हैं। देखिए ऐसे तो रेजिस्टेंस मतलब धारा ऐसे तो आ रही है इन दोनों प्रतिरोधों में से, कहीं धारा बट रही है, नहीं कहीं बट रही, यहाँ पर बटी है, फिर यहाँ से दोनों में से सेम धारा आ रही है, क्या सेम धारा। तो यहाँ तीन बटे दो ओम और आपका एक ओम जो है यह श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो आपका तीन बटे दो ओम धन हाँ एक ओम आपका श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो तीन धन दो, तो ये पाँच बटे दो ओम, क्या टोटल प्रतिरोध पाँच बटे दो ओम है। अब देखिए आपका ये सर्किट कैसे हो गया, ये आपका सर्किट अब ऐसे हो जाएगा। कुछ इस टाइप का मतलब, ठीक है, कुछ इस टाइप का। ये देखिए एक दूसरे के समांतर में थे ना जब पहले धारा बट रही थी, तो ये टोटल ये दोनों श्रेणी में थे, तो इनको जब श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध निकाला तो इनका पाँच बटे दो ओम आया, पाँच बटे दो ओम, और नीचे वाला कितना था दो ओम। तो अब देखें फिर यहाँ से जब धारा बहेगी
तो देखिए ये एक दूसरे के अभी तब भी समांतर में है, क्या 2 ओम और 5/2 ओम एक दूसरे के समांतर में है, तो समांतर में है तो क्या होगा, चलिए 1/2, और जब इसे 5/2 को लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, ठीक है। फिर त्रिक गुणा कर लेते हैं, 5 और 2 4 और 5 2 10, 5 4 9, तो ये क्या आएगा 10/9, टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा 10/9। ठीक है, तो आपका सर्किट कैसे बन जाएगा, ऐसे 10/9 ए बी, ए के बी, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना आया 10/9। तो यहाँ पर लिखिए, कितना है 10/9 हमारा। आज के लिए बस इतना ही, आशा है आपको समझ में आया होगा, समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में।